शायद ही भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नेता हो जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़े और बोले मुझे कोई पद नहीं चाहिए, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है उन्हें सत्ता में भागीदारी दे दो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, जिन्होंने लाठियां कही हैं और जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है उन्हें सत्ता में भागीदारी मिले। सचिन पायलट संघर्ष ही इसी बात का कर रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट को कांग्रेस महासचिव का पद ऑफर किया गया था, लेकिन पायलट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है उन्हें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिल जाती तब तक कोई पद नहीं लूंगा। सचिन पायलट द्वारा जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की पैरवी की है उससे उनकी लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिल रहा है।